चार दिन पहले सुपारी देकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने कहा कि हत्या पुराने लेन देन को लेकर हुई है। पुलिस को गुमराह करने के लिए मामले को सुपारी किलिंग और ऑनलाइन सट्टा की वसूली से जोड़ा गया और अब आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहले ही NDPS के तहत और लूट जैसे मामलों में जेल में सजा काट चुका है, तो जेल में ही इनकी पहचान मृतक ओम प्रकाश साहू से हुई थी। पुलिस ने इस मामले में मोबाइल सर्वर डंप निकाला और उसके आधार पर कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार की गई है, जिसमें आरोपी आशीष तिवारी ने अपने साथियों के साथ ओम प्रकाश की हत्या कर शव तालाब में फेंकने की बात स्वीकार की है। CCTV और कॉल डिटेल्स में भी एनालिसिस करना चालू किया। एनालिसिस के दौरान कुछ नंबर्स मिले जो संदिग्ध थे, उन नंबर्स को फिजिकली पूछताछ के लिए लाया गया। उनमें से एक व्यक्ति जो आशीष तिवारी है, उसका संदिग्ध आचरण प्रतीत होने पर थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपराध करना कबूल किया। उसने बताया कि ओम प्रकाश साहू पिछली रात में उसके और उसके साथियों के साथ था। इन लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद इन लोगों ने तीनों साथियों ने मिलकर के ओम प्रकाश साहू की हत्या कर बॉडी को तालाब में फेंक दिया है। उसी की निशानदेही पर बॉडी को भी रिकवर किया गया तालाब से, और बाकी जो दो आरोपी हैं रंजीश पांडे और अनुज तिवारी, उनको भी भाग रहे थे, उनको भी हम लोगों ने पकड़ा है।